केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय के हेरिटेज सभागार में आयोजित होमस्टे और भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास सेमिनार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास संभावनाएं और चुनौतियां विषय का पुस्तक का विमोचन किया। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आगमन पर लोगों में खासा उत्साह है। पिथौरागढ़ और बॉर्डर के लोगों में उनकी यात्रा से खुशी की लहर है। बॉर्डर के लोग पलकें बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के जागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जबरदस्त उत्साह है मोदी जी के प्रति, बच्चे बच्चे में उत्साह है। मैं तो बॉर्डर के इलाकों में भी देख के आया हूँ, अपने अपने जो लोकल परिधान होते हैं उसमें माताएं बहनें तैयारी में लगी हैं, जगह जगह से मोदी जी आ रहे हैं और उनके प्रति जो आकर्षण है, उनके प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र पंथ से ऊपर उठकर सब लोग उनको बराबर स्नेह करते हैं। इसलिए जगह जगह पर जागेश्वर इलाके में वही है, पिथौरागढ़ में है, पलक पावड़े बिछाकर उत्तराखंड की जनता और हमारे बॉर्डर जिले की जनता इन समय उनका इंतज़ार कर।